मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं INN24। हेलो, मैं हूं विकी कौशल एंड प्लीज कीप वाचिंग INN24। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। खबर बघा से है, जहां विलुप्त होती कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन बघा प्रखंड 2 के प्रतापपुर कटकुइया बाजार गांव में बिहार केसरी रहे पहलवान दिवंगत रामधनी यादव की स्मृति में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया। इस विराट दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन मुखिया संघ के संरक्षक पप्पू यादव ने किया, जबकि उद्घाटन कांग्रेस नेता भाई फखरुद्दीन खान और आरजेडी नेता रणकौशल प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में देश के नामचीन पहलवानों ने भाग लिया। वहीं डीएसपी मुख्यालय सूर्यकांत चौबे ने मल्ल युद्ध में पहुंचकर पहलवानों का हौसला अफजाई करते हुए इसे पौराणिक धरोहर बताया। मौके पर रिटायर्ड एडीएम और आरजेडी नेता महेंद्र भारती समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हिंगणघाट में जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित तालुका स्तरीय मैदानी स्पर्धा का आयोजन टाका ग्राउंड हिंगणघाट पर किया गया। इस स्पर्धा में तहसील की सभी स्कूल के विद्यार्थियों ने सहभाग किया। मैदानी स्पर्धा में कबड्डी, खो खो, रनिंग, गोला फेंक, लॉन्ग जंप, चेस इत्यादि खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें हिंगणघाट की महेश ज्ञानपीठ कन्वेंट के विद्यार्थियों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया। अलग अलग खेलों में कुल 75 मेडल जीतने वाले स्कूल का खिताब अपने नाम किया, जिसमें 24 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर, 10 ब्रांज मेडल हैं। विद्यार्थियों की इस सफलता के पीछे उनके स्पोर्ट्स टीचर मुस्तफा बक्स का बहुत बड़ा योगदान है, जो बच्चों को अपना अमूल्य समय देकर उन्हें अच्छा प्रशिक्षण देकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। मुस्तफा बक्स खुद एक खिलाड़ी हैं। बच्चों की उपलब्धि पर स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, मैनेजमेंट कमेटी सभी ने आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दी। मैं देता हूँ जो इन्होंने अपने मेडल का ये किया। और मैं सब में पहले ये आपको बता दूं कि महेश ज्ञानपीठ एक क्रीड़ा प्रेमी अध्यक्ष, यहाँ के बहुत बड़े क्रीड़ा प्रेमी थे, उनके नेतृत्व में हमने सब ये काम कर रहे हैं। और यहाँ का टोटली मैनेजमेंट स्टाफ स्पोर्ट्स से कहीं ना कहीं जुड़ा है, इसलिए मैं सबको पुनः बधाई देता हूँ। और जो मुस्तफा सर ने, स्पोर्ट मैडम ने और पूरे स्टाफ ने जो मेहनत किया है, इसी प्रकार मेहनत करके महेश ज्ञानपीठ का नाम रोशन करें और क्रीड़ा क्षेत्र का नाम हिंगणघाट का, एक क्रीड़ा नगरी के नाम से जो जाना जाता था, वो पुनः जीवित करने के लिए महेश ज्ञानपीठ हर पल आगे है। ऐसा नहीं कि स्कूली बच्चों के लिए, अगर स्पोर्ट्स में कहीं पर किसी को भी कोई भी मदद लगे तो हम निश्चित तौर पर करेंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया मैनेजमेंट का करूँगा कि जिन्होंने पूरे सामान मुझे मुहैया कराया, प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल मैडम, स्कूल के सभी टीचर स्टाफ और सभी बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिस का महत्व समझा और ग्राउंड पे अपना समय दिया, तभी जाके रिजल्ट आया। बस मेरी एक ये सोच है कि आज तक स्कूल नेशनल कोई भी नहीं हुआ है कि महेश ज्ञानपीठ का कोई ना कोई बच्चा नेशनल लेवल पे जाए और अपने स्कूल का और अपना खुद का नाम रोशन करे। बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन के विष्णुपद मंदिर पहुँचने पर विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के लोगों ने किया सम्मानित। राज्यपाल ने मंदिर के गर्भगृह में विष्णु चरण की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि गया मोक्ष और शांति की भूमि है, जहां पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यहां आकर बहुत खुशी हुई है। इसके बाद राज्यपाल बोधगया के लिए रवाना हो गए, जहां वे महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना एवं दर्शन करेंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, मेयर वीरेंद्र कुमार, एसएसपी राजू मिश्रा, सदर एसटीओ सूरज कुमार सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बिहार में नहीं, सारे देश में इन पवित्र स्थानों में से है, जहाँ युगों से लोग मोक्ष प्राप्ति करता है। ऐसे पवित्र स्थान पर मैं अपना प्रणाम करने को भगवान के आया। बिहार के बेतिया में 1,20,000 के चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। पचरौता एसएसबी और नरकटियागंज एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई में 6 किलो चरस के साथ धूमाटांड जसौली निवासी विनोद चंद्र दास एवं ब्रिजेश दास को पिलर संख्या 428 के समीप से धर दबोचा।
कल्याण पश्चिम की महात्मा फुले पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास एक पिस्तौल सहित दो जिंदा कारतूस बरामद किया है। दोनों युवकों को कल्याण पूर्व के मलंग रोड नादीवली परिसर से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार कल्याण पश्चिम की महात्मा फुले पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि स्टेशन परिसर के पास दो युवक पिस्तौल सहित जिंदा कारतूस लेकर आने वाले हैं। मिली सूचना के आधार पर महात्मा फुले पुलिस ने स्टेशन परिसर के आसपास अपना जाल बिछाया। कुछ समय बाद वहां दो युवक शिवरतन यादव व दिनेश विश्वकर्मा घूमते नजर आए। पुलिस ने शक के आधार पर उनको हिरासत में लेते हुए पूछताछ करते हुए उनकी तलाशी ली तो उनके पास से एक पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। गिरफ्तार दोनों युवक कहां से असलहा लाए थे और इसके पीछे क्या मकसद था, सभी बातों की जांच एमएफसी पुलिस कर रही है। महात्मा फुले के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रकाश लोढ़े के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक एसडी डामरे, सहायक पुलिस निरीक्षक बाग, हवलदार काटकर सिंधे व अन्य पुलिस कर्मियों के कारण आरोपियों को सलाखों के पीछे डालने में सफलता मिली। दो युवक हमारे एरिया में पिस्टल बेचने आने वाले थे, वो हमारी डीपी स्टाफ को कृपया डामरे और लोगों को खबर मिली थी और उसके साथ उसने अरेस्ट किया वो लोगों को और उसके साथ पिस्टल और दो लाइव राउंड मिले। इनका नाम क्या था? दिनेश कुमार विश्वकर्मा और यादव उनका नाम है, दो गिरोह। जमशेदपुर में पूर्व भूमि संरक्षण पदाधिकारी अमरेश कुमार झा को सरायकेला के राजनगर थाना के पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया। उन पर 31 लाख रुपए गबन करने का आरोप था और राजनगर थाना में 5 जनवरी 2018 को सरायकेला जिले के वन विभाग के पदाधिकारी इग्नेश एक एक्का के द्वारा डीएफओ मामला दर्ज कराया गया था। बताया जा रहा है कि बिना काम कराए जल छाजन के नाम में फर्जी तरीके से 31 लाख रुपए की निकासी की गई थी और काफी दिनों से फरार चल रहे थे और हजारीबाग में कृषि पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उनके ऊपर कुछ सरकारी राशि का गबन करने का मामला था। हमारे यहाँ 5/18 को राजनगर थाना में कांड दर्ज हुआ। कांड दर्ज करने के बाद से ही ये फरार चल रहे थे और इन्हें गुप्त सूचना के आधार पर राजेश से गिरफ्तार किया गया। इसमें गिरफ्तार करने में विशेष रूप से अनिल कुमार ओझा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने काफ़ी प्रयास के बाद इन्हें गिरफ्तार किया है, इसके लिए ये प्रशंसा के पात्र है। हमारी पूरी टीम जो इसमें लगी हुई थी गिरफ्तारी के लिए, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन से इस फरार चल रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बता हूँ कि ये मेरे यहाँ केस में वांटेड थे, इनके विरुद्ध न्यायालय से वारंट निर्गत हो चुका था और उस वारंट के आधार पर हम लोगों ने इन्हें गिरफ्तार किया। कितना लाख का गबन किया? करीब 30-35 लाख के गबन का मामला है। 31 लाख सरकारी राशि के गबन का मामला है। खोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र में इन दिनों रैश ड्राइविंग के साथ हाईवा का खौफ चल रहा है। लगातार हाई स्पीड हाईवे से दुर्घटनाएं हो रही हैं, बावजूद इसके उनकी स्पीड पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। मंगलवार देर रात भी एक अनियंत्रित हाईवे पेट्रोल पंप के डिवाइडर पर अचानक तेजी से आकर चढ़ गया। एकाएक हुए इस अप्रत्याशित घटना की वजह से एक ट्रैक्टर और एक पिकअप वैन भी इसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रात के सन्नाटे में हुई घटना से जोरदार आवाज के साथ पूरा इलाका चौंक गया। हालांकि यह व्यस्त मार्ग है, इस वजह से रात में भी इस क्षेत्र में भारी आवाजाही रहती है। अचानक हुए इस हादसे में कई लोग बाल बाल बच गए और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना से इलाके के लोगों में काफी आक्रोश है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 पर। नमस्कार। आप सब लोगों के लिए लेट सिंग सम लाइंस, मेरा गाना अफगान जले कुछ लाइंस आपके लिए गाता हूँ। अफगान जले भी माशूक फरे भी घायल है तेरा दीवाना, भाई वाह भाई वाह। ओके, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल INN24।